तीन चार पांच छह शाबाश।
दूसरे जहां से प्यारी मेरे भाई।
बलवान जी से मेरा निवेदन कि परेड संचालन की तैयारी करें। सभी साथियों से मेरा विनम्र आग्रह कि आगे का ये ट्रैक खाली कर दे, यहाँ से परेड गुजरेगी। साथ साथियों से भी मेरा आग्रह है इसको खाली करवाने में सहयोग करें। जो अतिथि ट्रैक ट्रैक के ऊपर खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है वो इधर विराजमान हो जाए। तेजी के साथ उसके बाद में स्काउट गाइड पार्टी को कलम प्रदान बढ़ाया जाए, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी कार्यक्रम में जो फौजी बच्चों का कार्यक्रम हुआ था उसके लिए तीन मोहम्मद जी ने ₹5,000 उस कार्यक्रम के लिए दिए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। ₹100 श्रीमान बलवान जी के, ₹50 जनाब ईसब जी के और ₹100 डॉक्टर साहब की आप कृपया मंच पर पधारे और विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन करता है। आपकी अपनी जन्मभूमि पर आपका स्वागत अभिनंदन।
निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करते हैं वो साथ दें। सर जी थोड़े इधर देखो सर, सर जी थे बहु आई आप है, बहु आया ही काज पाकर अपने बीच में। विद्यालय बनवारी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके से जो पूरे बाजरा में नहीं पूरे राजस्थान में जो अपनी चमक भी कहते हैं, ऐसे अतिथि जब हमारे बीच में हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं तो इससे बड़ी हर्ष की कोई बात नहीं हो सकती। हमारे विद्यालय का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार सड़क ऊंची होने के कारण अब नीचे हो गया है और काफी पुराने समय में वो बना था, उसकी चर्चा चलते चलते और अब वो चर्चा परवान बन गई है। और उस बात को बताने से पूर्व सभी बच्चों से और अतिथियों से निवेदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ अनाउंस करने से पहले मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ। बहुत ही शानदार गेट, ऐसा गेट अपने आसपास भादरा तहसील में कहीं नहीं होगा, ऐसा विद्यालय का एक बहुत ही शानदार गेट, उस गेट के लिए स्वीकृति प्रदान की है, मात्र फोन पर स्वीकृति आई है श्रीमान सूरज बांझी लाखलाण के द्वारा। श्रीमान सूरज बांझी लाखलाण इस विद्यालय का बहुत ही शानदार, ऐसा गेट आसपास के गांव में कहीं नहीं होगा, ऐसा इस विद्यालय का बहुत ही शानदार गेट का निर्माण श्रीमान सूरज बांझी लाखलाण सुपुत्र श्रीमान मनीराम जी लाखलाण के द्वारा करवाया जाएगा। मैं उनका उनके परिवार का इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस नेक कार्य के लिए अपनी नेक कमाई में से दिल खोल करके दान करने की घोषणा की है। एक बार पुनः उनका आभार, धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ बच्चों का स्वागत अभिनंदन, ताकि विधायक महोदय के द्वारा विधायक महोदय का सहयोग प्रदान करें, इनके साथ रहें। माननीय विधायक जी, आपसे मैं न्याय की बात करूंगा। ये जो विद्यालय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजीतपुरा, ये सबसे अधिक नामांकन वाला विद्यालय है। इस विद्यालय से निवेदन, कृपया इस नव निर्मित मंच का उद्घाटन आपके कर कमलों से होने पर विद्यालय परिवार बड़ा गौरवान्वित और हर्ष अनुभव कर रहा है कि आपके कर कमलों से इस मंच का उद्घाटन हो पाया है। इसी विद्यालय में कि आप ही बता रहे हैं, आपने विद्यालय में सोलर सिस्टम 3.5 लाख रुपए की लागत से, यूसुफ जी ने इस विद्यालय में सोलर सिस्टम सेट करवाया था 3.5 लाख रुपए की लागत से। कितने किलोवाट? 8 किलोवाट। श्रीमान बलवान जी और बलवान जी छपरवाल ने सतत योगदान दिया इस विद्यालय में, कभी अलमारी कभी कुछ और कभी कुछ और, लगातार ये सब हमारा सहयोग करते रहते हैं। मंच पर आमंत्रित करूंगा ओम प्रकाश जी से, ओम प्रकाश जी जांगड़ा ने, अनवर जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं आप भी मंच पर साधन आमंत्रित है, श्रीमान अनवर जी कुरैसी। विधायक जी के लिए स्पेशल मोमेंटो इस विद्यालय परिवार की ओर से निवेदन करूंगा। प्रधानाचार्य महोदय सतपाल साहब आप और आते रहें और सहयोग करते रहें, आपसे निवेदन ऐसा ही रहेगा। मैं अजय अली बख्श का पुत्र हूं,
इस 74वें गणतंत्र दिवस में मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे पिताजी ने इस गांव के लिए अतुल्य काम किए सर, और जैसे आपके शब्द थे सेम उसी तरीके से वो अपने काम इस गांव के लिए, इस तहसील के लिए उन्होंने किए हैं। न किसी का भेदभाव, न किसी का ऊपर, न किसी का नीचे, कौन है कौन नहीं है, सबके लिए एक समानता से उन्होंने हमेशा से काम किया। शिक्षा के लिए उन्होंने हमेशा, इस विद्यालय के लिए, बालिका विद्यालय के लिए हर एक जगह उन्होंने अपना योगदान दिया है। इस विद्यालय के लिए पिताजी ने 3 साल के लिए स्कूल गोद लिया था। गोद लेने का मतलब उनका ये था कि जो भी विद्यालय का खर्च है, विद्यालय के लिए जरूरतमंद चीजें हैं, वो उसके लिए उसकी पूर्ति करते थे। और उसी को हम लोग जारी रखते हुए, मेरे पिताजी के इंतकाल के बाद में उसी को हम जारी रखते हुए, स्कूल के हमारे स्टाफ मेंबर प्रिंसिपल सर थोड़े से चिंतित थे कि अब आप उसको जारी रखोगे कि नहीं। हमने उनको आश्वस्त किया, जैसे मेरे पिताजी इस गांव के लिए और इन बच्चों के भविष्य के लिए जो काम वो करते रहे थे, हम उसी तरीके से उस काम को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा इन बच्चों के भविष्य के लिए एक से बढ़कर एक काम आगे करेंगे। हमने प्रिंसिपल सर को भी उस चीज का आश्वासन दिया, मैं गांव को भी उस चीज का आश्वासन देता हूं, आश्वस्त करता हूं आप सबको, इस गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम हमेशा तैयार है, हमारा पूरा परिवार तैयार है, पूरा गांव तैयार है। मैं चाहता हूं कि इस गांव से एक एक बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में मेरा इस गांव का बच्चा पूरे गांव, पूरे बागरा में, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में इस गांव का डंका बजाए। मैं ये चाहता हूं कि मेरा गांव का बच्चा खेल में आगे बढ़े। मेरे पास एक दो चीजें आई थी सर कि इस स्कूल में खेल ग्राउंड की जरूरत है, तो कुछ जरूरतें आपने पहले ही घोषणा कर दी, तो उसके लिए मैं अभी आपको बोल नहीं सकता, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि हमें एक खेल ग्राउंड मिल जाए। तो अभी हमारे बच्चे राज्य स्तर पे गए हैं, तो मैं चाहता हूँ वो राष्ट्रीय स्तर पे जाए और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाए। चूरू डिस्ट्रिक्ट में खेल स्टेडियम बना है, आज हमारे बच्चे वहां के चूरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाए, मेरी ऐसी तमन्ना है। और हम उसमें खुले मन से, तन मन धन से उसमें साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे गांव से, पूरे समाज से, कि मैंने मेरे बड़े भाई उमर दराज ने एक भव्य निर्माण किया है, हॉल का निर्माण किया है, 33x33 का बड़ा हॉल है, उसका आज उद्घाटन होना है। और इससे हमारे लिए आज इससे बड़ी गर्व की चीज क्या हो सकती है, 26 जनवरी का दिन है और हमारे इस गांव में एक नहीं दो दो चीजों का उद्घाटन हो रहा है, और वो भी मामा साहब की वजह से। इससे बड़ी चीज हमारे गांव के लिए क्या हो सकती है, मैं सोचता हूँ इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो मैं सर आपको आमंत्रित करता हूँ, उस भव्य निर्माण जो हमने हॉल बनवाया है उसका आप उद्घाटन करें और अपने अपना आशीर्वाद इस गांव पे बनाए रखें, हम पे बनाए रखें, और पूरा गांव, पूरा समाज उसमें आप प्लीज सब लोग वहां पहुंचे, हम उसका उद्घाटन करें। आजी अलबक्स अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, आजी अलबक्स अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई जिसने इतना बड़ा काम करा, छोरों ने तो नारी तो लगाई था। लो 28x31 है, ठीक है, और जोरदार तालियों से सतवीर जी से, कंप्यूटर से संबंधित हर हर कार्य के अंदर अपना और सम्मान ग्रहण करें।
उनसे मैं निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। इन्होंने स्काउट गाइड के श्रीमान मनीराम जी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 अगर हमारे बीच में है तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। सर शिक्षक के साथ साथ वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। एक बार सर का जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव के पल है कि ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में इन्होंने हिस्सा लिया। भूप जी नहीं बुलाओ, मैं सर को बुलाओ। मैं भूप जी से भी निवेदन करूंगा कि वो एक बार जोरदार तालियों से वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष श्रीमान जगशीर जी सम्मानित होते हुए। चानमल जी भार्गव प्रधानाचार्य जिन्होंने पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में पूरे हनुमानगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व किया था। सर को विद्यालय के अलावा अन्य जो शैक्षिक गतिविधि है उनमें भरपूर योगदान देते हैं। आज का भी तो मंच पर आ जाए। ये जो बच्चे सम्मानित हो रहे हैं स्काउट वाले, ये राष्ट्रीय जम्बूरी में लिया था और स्काउट का ये जो प्रमाण पत्र है अंक प्रदान किए जाने लगे हैं। ये बड़ी इसके बाद ये मेरे वतन के लोगों नृत्य के लिए लड़कियां तैयार हैं, मंच पर आ जाए। सम्मान प्रतीक श्रेष्ठ सेवाओं में इनका महती योगदान रहा। इसके बाद में ये मेरे वतन के लोगों नृत्य के लिए उनको प्रिंसिपल सर के द्वारा मेडल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। अगले कार्यक्रम के लिए सानियान पार्टी तैयार रहे। धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत ही अमूल्य समय निकालकर उन्होंने इन बच्चों के लिए बड़ी मेहनत के साथ तैयारी करवाई जिसका परिणाम आपके सामने था। स्वागत सत्कार की इसी कड़ी में मैं श्री जगदीश जी से कि वो आगे मैं श्री बलवान जी अध्यापक से निवेदन करूंगा। हनुमान जी आपका स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। मलयात्मा का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन। हमारे विद्यालय में एक पानी की टंकी और स्वागत करते हुए हमें बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमें यहाँ पधारे। बहुत ही शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए, अन्य विभिन्न प्रकार के मूल्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए, व्यावसायिक शिक्षा आईटी और स्काउटिंग से संबंधित कलाओं और तकनीकों का प्रदर्शन किया। उन सबको उन्हें तैयार करवाने वाले सभी सामान्य स्टाफ सदस्यों का, उनका सुबह से लेके अब तक उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी दर्शकों का, अभिभावकों का, विद्यार्थियों का और उन भामाशाहों का जिन्होंने इन बच्चों का लगातार वित्तीय सपोर्ट देके उत्साहवर्धन किया, हमारे साउंड सिस्टम के भाइयों का और सोनी जी का जिन्होंने शानदार मंच विद्यार्थियों को
अपने प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए उपलब्ध कराया, हमारे जनप्रतिनिधियों का सभी का और हमारे गांव के सभी धन्य मान्य नागरिकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम और विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित होकर हमारे विद्यार्थियों का, हमारे स्टाफ सदस्यों का न केवल उत्साहवर्धन किया बल्कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।